भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के चलते लंबे समय से संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं। चीन के लोगों को भारत और अमेरिका की दोस्ती रास नहीं आ रही है। उनका मानना है कि भारत और चीन साथ मिलकर काम कर सकते हैं। चीन के पत्रकार मानते हैं कि बीजिंग को इस्लामाबाद के बजाय नई दिल्ली से अपने संबंध मजबूत करने चाहिए, क्योंकि भारत के साथ व्यापार की संभावनाएं कहीं ज्यादा हैं। ये सभी बातें बीजिंग के पत्रकार म्यू चुनशान ने द डिप्लोमेट के लिए अपने एक लेख में लिखी हैं। चीनी सोशल मीडिया पर आधारित उनका यह लेख यह बताता है कि चीन की आम जनता भारत के बारे में क्या सोचती है और सोशल मीडिया पर अपने पड़ोसी देश के बारे में क्या बातें करती है। अपने लेख में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चीनी इंटरनेट पर एक निकनेम है, मोदी लाओशियान। लाओशियान का इस्तेमाल कुछ अनोखी क्षमताओं वाले अमर बुजुर्ग शख्स के लिए किया जाता है। इस निकनेम का मतलब है कि चीन के सोशल मीडिया यूजर्स यह सोचते हैं कि पीएम मोदी अन्य नेताओं की तुलना में बेहद अलग और अद्भुत हैं। वे उनके पहनावे और शारीरिक बनावट दोनों की ओर इशारा करते हैं। उनकी कुछ नीतियां भारत की पिछली नीतियों से काफी अलग हैं। चीनी पत्रकार ने कहा, विशेष रूप से मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया के प्रमुख देशों के बीच संतुलन बनाए रख सकता है, चाहे वह रूस हो, अमेरिका या ग्लोबल साउथ देश। भारत उन सभी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रख सकता है, जो कुछ सोशल मीडिया यूजर्स के लिए बहुत सराहनीय है। इसलिए लाओशियान शब्द मोदी के प्रति चीनी लोगों की जटिल भावना को दिखाता है, जिसमें जिज्ञासा भी है और आश्चर्य भी। चुनशान ने लिखा, मैं लगभग 20 साल से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा हूं, और चीनी सोशल मीडिया यूजर्स के लिए किसी विदेशी नेता को निकनेम देना बेहद दुर्लभ है। मोदी का निकनेम अन्य सभी से ऊपर है। स्पष्ट रूप से उन्होंने चीनी जनता की राय को प्रभावित किया है। चीन के पत्रकार ने अपने लेख में लिखा कि भारत से मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करने का विचार चीन में अब अधिक काल्पनिक होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है।